अब और बड़ी खबर दे दे अपने दर्शकों को। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर हमला बोला। संभल में सपा उम्मीदवार नहीं जीत पाएगा। शफीकुर रहमान बर्क का यह दावा सपा को मैंने और मुलायम सिंह ने खड़ा किया है। शफीकुर रहमान बर्क ने यह बड़ा दावा किया कि सपा उम्मीदवार संभल में नहीं जीत पाएगा और साथ ही साथ कहा कि समाजवादी पार्टी को मैंने और मुलायम सिंह ने खड़ा किया। मैं तो ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि हमारी जीत है इंशाल्लाह। देखिए उत्तर प्रदेश की अंदाजा मैं नहीं बता सकता जी। हाँ जी, मैं तो यहाँ आजाद लड़ा रहा हूँ कैंडिडेट को। कैंडिडेट की यानी फरहाना यासीन की पोजिशन बहुत साउंड है पूरे शहर। समाजवादी पार्टी में तो हूँ ही मैं और उसका एमपी भी हूँ। मतलब ये है कि नाम हमने कहा था कि इस आजाद छोड़ दीजिएगा, जो लड़कर आएगा वो आपका होगा, लेकिन उन्होंने फैसला इसके ख़िलाफ़ किया तो लिहाजा जिन लोगों ने उनको राय मशवरा दिया उन्होंने गलत दिया, मुशीर गलत हैं उनके। तो लिहाजा मैंने परल यहाँ ये एहसास दिलाने के लिए कि ये टिकट गलत इशू दिया गया है, लिहाजा मैंने अपना आज़ाद कैंडिडेट लाया। तो किस तरीके से सुना आपने, संभल में कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का नहीं जीतेगा और कहने वाला कोई और नहीं समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर सपा से ही है शफीकुर रहमान बर्क। और अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के न जीत पाने की ये बड़ी बात कह गए और साफ कहते हैं कि मुलायम सिंह और मैंने यानी पुराने नेताओं ने मिलकर के समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है। साफ तौर पे नाराजगी अखिलेश यादव से खुल करके पब्लिक प्लेस पर उन्होंने क्या कह दिया, सुनिए आप भी। मैं तो ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि हमारी जीत है इंशाल्लाह। देखिए उत्तर प्रदेश की अंदाजा मैं नहीं बता सकता जी। हाँ जी, मैं तो यहाँ आजाद लड़ा रहा हूँ कैंडिडेट को। कैंडिडेट की यानी फरहाना यासीन की पोजिशन बहुत साउंड है पूरे शहर। समाजवादी पार्टी में तो हूँ ही मैं और उसका एमपी भी हूँ। मतलब ये है कि नाम हमने कहा था कि